हेलो हाय, सत श्री अकाल सारे नू। आज का ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गल्फ से डेली मैसेजेस या कॉल करते हैं कि हमें कोई बोल रहा है कि कनाडा के लिए हाउस ड्राइवर की ज़रूरत है। तो मैं ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा मैसेज आपके लिए देना चाहता हूँ कि कनाडा में हाउस ड्राइवर के लिए कोई जॉब नहीं होती। हाउस ड्राइवर टाइप का कोई वीज़ा नहीं मिलता, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपने, आपको कोई बोल रहा है इंडियन या पाकिस्तानी एजेंट कि कनाडा में आपको एज ए टैक्सी ड्राइवर जॉब मिल जाएगी, आपको टैक्सी ड्राइवर के तौर पे भेज देते हैं, तो उसका भी कोई वीज़ा नहीं होता। और तीसरी चीज़, सिक्योरिटी गार्ड, ये तीनों का कोई वीज़ा कनाडा का नहीं मिलता। ना ही हाउस ड्राइवर का कोई वीज़ा मिलता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड का, और ना ही टैक्सी ड्राइविंग का। तो अगर आपको कोई एजेंट मिलता है ऐसा इंडियन या पाकिस्तानी जो बोल रहा है कि हम आपको भेज देंगे वहाँ पर और आप 8वीं पढ़े हो, 10वीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बेफिजूल अपना पैसा टाइम ज़ाया ना करें। और जितने भी आपके सर्कल में हैं लोग, उनको आप बता दें, ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें, कनाडा के लिए हाउस ड्राइवर का कोई वीज़ा नहीं होता। और जो स्पेशली पाकिस्तान से मैसेजेस करते हैं सारा दिन, और तालीम उनकी 8 या 7 या 6 क्लास है, तो वो बिल्कुल किसी टाइप का कोई वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। किसी भी एजेंट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो तीन टाइप के मैंने वीज़े बताए हैं, ये तीनों, ये जो तीन तीन टाइप की जो जॉब बताई हैं, इन तीनों टाइप की जॉब का कोई भी वीज़ा कनाडा का नहीं मिलता। एक बार फिर मैं दोबारा लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर का कोई वर्क परमिट कनाडा इशू नहीं करता, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड का, और तीसरा हाउस ड्राइवर का। तो ये तीनों ही मेन क्वेश्चन थे जो कई दिनों से बार बार आ रहे थे, इसलिए मैंने आज आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जब तक तो आपका 10+2 का मतलब 12th क्लास अगर आप पास नहीं है, आइलेट्स आपने नहीं की हुई है, आपके पास कम से कम 2 साल का किसी गल्फ का किसी ऐसे काम का एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी यहाँ पर डिमांड है, गवर्नमेंट की कैटेगरी में है वो, तब तक आपका कोई काम नहीं होने वाला। आजकल यहाँ पे वैसे भी वर्क परमिट बहुत ज़्यादा महंगे हुए पड़े हैं एजेंटों की वजह से, और बहुत बेशुमार दुनिया ऐसी है जो यहाँ पे आई हुई है टूरिस्ट वीज़ा पे, और टूरिस्ट वीज़ा पे आके वो यहाँ पे वर्क परमिट वगैरह सर्च कर रहे हैं। तो रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप 8वीं 10वीं पास हो और आप निकल जाओगे और मैं आपको वीज़ा लगवा दूंगा, तो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ऐसे किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका इससे काम होगा, बिल्कुल आपका 101% जो है पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो इन कामों में हमारे इंडियन और जो पाकिस्तानी एजेंट हैं वो एक नंबर पे हैं दुबई में। सो किसी के पास अगर आपकी एजुकेशन कम है, ये तीन ट्रेड के लिए आपको कोई बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आप दूसरों को फॉरवर्ड कर देंगे, जो जो आपको बोल रहा है या जो एजेंट आपको बोल रहा है उसको उसको ये मेरा वीडियो भेज देना, और उसको बोलना कि अगर वो एज ए टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या हाउस ड्राइवर के तौर पे किसी को भेज सकता है तो मेरे फ़ोन पे बात कर ले वो, ठीक है। तो मेरा नंबर है 001-360-220-5471। सत श्री अकाल जी।